अचानक से काला कहाँ चला गया? दाऊ, आप यहाँ देखिए, मैं उस गोले को बाहर की ओर ढूंढती हूँ। काला! तुम कहाँ हो काला? यदि काला यहाँ होता तो उत्तर अवश्य देता, किंतु वो इतना शीघ्र जा कहाँ सकता है? राधा, तुम यहीं पे बैठे हो? क्या कान्हा मिल गया? दाऊ, हम राधा हैं। हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया है। हमें सब ढूंढते हैं, तो फिर हम उस ग्वाले को क्यों ढूंढे? राधा, ये तुम क्या कह रही हो? हमें कान्हा को ढूंढना ही होगा। हो सकता है वो किसी संकट में हो। दाऊ, वो ग्वाला स्वयं एक संकट है। भला वो क्या संकट में होगा? हमें तो लगता है कि वह ऐसा हमें तंग करने के लिए कर रहा है। हम घर चलते हैं, वह स्वयं यहाँ जाएगा। किंतु राधा, यदि हम कान्हा के बिना घर गए तो यशोदा काकी से क्या कहेंगे? बात तो आपकी सत्य है दाऊ। और यदि ग्वाले पर सचमुच में कोई संकट आ गया तो वो हमारे बिना उस संकट से निकल भी तो नहीं सकता। वही तो राधा, तब तो हमें उस ग्वाले को ढूंढना ही होगा दाऊ। चलिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह हमारे अंतरात्मा की प्रतिध्वनि, उस तपोबल के स्वर जो कंस हमारे भीतर से निकाल ले गया है। तो क्या काना? 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 कितनी भोली है हम, अपने ही प्रभु को पहचान ही नहीं पाई। चित्रांगिता, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम लोग अब तक नहीं समझ पाई। क्या नहीं समझी हम? यही कि कान्हा ही हमारे प्रभु हैं, हमारे नारायण। वो कान्हा ही है जिनके सानिध्य में रहने के लिए हम ऋषियों का गोपी रूप में जन्म हुआ है। परंतु तुम ये इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? स्मरण करो, शंखचूड़ के द्वारा हमारे हरण किए जाने पर कान्हा का आना, हमें बचाना, हमारी रक्षा करना। और उसके बाद ऋषियों का यह मंत्र जाप, और फिर अचानक से यूं ही कान्हा का कहीं चले जाना। नहीं,